काका जी अब नई शॉप में आपको काम करना है, तो फिर आपको शॉप देखकर, पहले आपने शॉप का तो दौरा कर लिया, कैसा लगा आपको शॉप देखकर? बहुत 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 अच्छा लगा। और गडा इलेक्ट्रॉनिक्स कई महीनों के बाद फिर से खुल रही है, तो उसका एक्साइटमेंट भी बहुत है। और बस अब वही जेठा सेठ, बागा और मगन, हम सब यहाँ मिलकर बहुत सारी सेल करेंगे। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने सालों की यूएसपी है, वो फिर से फुल फॉर्म में चालू हो जाएगी। जैसे कि इस बार गट्टू काका जो है, नट्टू काका आपको नहीं दिखने वाले शो में, तो उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी? नट्टू काका हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और आप सबको बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और इस सरप्राइज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाकी नट्टू काका हमारे दिल में थे, है, रहेंगे और दुकान में भी थे, है और हमेशा रहेंगे। सेठानी जी जो हमेशा आप लोगों का ख्याल रखती थी, हमेशा उनका कॉल आए बगैर तो रहता नहीं था, लेकिन आप उनको अब जब सेट पे नहीं है तो आप कितना मिस करते हैं? सेठानी जी को तो सेठ जी ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन हाँ, वो भी जितने भी आर्टिस्ट हमारे शो के अभी मिसिंग है, वो बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएंगे। और देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारा शो ऐसा है कि जिसका हर एक कैरेक्टर, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, इज़ सो मच कनेक्टेड विथ पीपल इन देयर हार्ट्स, चाहे वो भिड़े जी का सखाराम हो या हमारी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो जितने भी किरदार इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। और ये शो इतने सालों तक जिन्होंने आपको एंटरटेन किया है, वो सारे किरदार फिर से बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। बागा और बाबरी का जिस तरीके से वो कॉमेडी बना जो हम देखते थे, क्या फिर से वो कब देखने मिलेगा, क्या आप कुछ बता सकते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी बाबरी जी के साथ रोज़ बात होती है, और चूंकि गडा इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो गई है, तो बावरी जी ने मुझे वादा किया है कि बहुत जल्द वो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझसे मिलने आएंगी, और बस दुकान बढ़ाकर मैं और बावरी जी बहुत घूमने जाएंगे और बहुत मज़े करने जाएंगे। वैसे सेठ जी छुट्टी देते नहीं हैं, लेकिन बावरी जी ने इस बार कहा है कि वो सेठ जी को खास मनाएंगे और मुझे हाफ डे की छुट्टी दिलवा कर घूमने ले जाएंगे। तो काफी फेमस डायलॉग था आपका पगार बढ़ाने का, तो इस नई दुकान के साथ वो डायलॉग बरकरार रहेगा कि? डेफिनेटली बरकरार रहेगा। अब तो दुकान बड़ी हो गई है, ये देख के पता चलता है कि सेठ जी का बजट जो है बढ़ गया है, तो डेफिनेटली बजट बढ़ गया है तो इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो पगार भी बढ़ जाएगी। तो आप हमेशा दुकान की बिक्री कराने के लिए एक से एक नए यूनिक आइडियाज के साथ सामने आते थे, तो इस बार दुकान की बोनी करने के लिए कोई आइडिया है आपके पास? वैसे हमने दिखा दिया है कि जो भी फर्स्ट डे हमारी दुकान से कोई भी चीज़ की खरीदी करेगा, उसे स्पेशल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये स्कीम तो बेसिकली दुकान शुरू होने के साथ ही स्टार्ट हो गई है, लेकिन जैसे जैसे फेस्टिवल्स आएंगे, गणपति आएंगे, जन्माष्टमी आएगी, फिर दिवाली आएगी, उसमें नई नई स्कीम लेकर हम सेठ जी के सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर सेठ जी पास करेंगे तो वही स्कीम वाला माहौल फिर से चालू हो जाएगा। हम बात करें तो नए नए किरदारों की, जो 14 साल हो गई एक सीरियल को, और उसके बाद जब किरदार बदलते हैं और वापस दूसरे किरदार आते हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है उनके साथ और लोगों का रिस्पॉन्स समझना? देखो, मैं ये नहीं मानता हूँ कि उससे, बेसिकली इट इज़ अ कैरेक्टर दैट इज़ इन एवरीबडीज हार्ट। सो एक अगर कैरेक्टर पूरा ही गायब हो जाता है तो डेफिनेटली हम उसे मिस करते हैं, लेकिन अगर वो कैरेक्टर इंटैक्ट आपके सामने आ रहा है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि विजुअली चेंज होने से उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, अभी ये शो है, इतने सालों से चल रहा है, हर एक की डेस्टिनी फिक्स है, तो जिनकी थी वो अब तक थे, अब जिनकी ऐड होगी वो उनकी उनकी उनके नसीब से हम और आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।